क्या हाल है मेरे बहन भाइयों, मेरे बच्चों और बच्चियों, हमेशा शाद आबाद रहें, अब खुश रहें, शाद आबाद रहें। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ, कीमा मटर और शिमला मिर्च। शिमला मिर्च थोड़ी सी डालेंगे, इससे इसका जायका बहुत ही बेहतरीन आता है, इसकी खुशबू और अरोमा बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, कीमा मैंने धो के इसमें टमाटर, प्याज और हल्दी और नमक डाल के चढ़ा दिया था। ये देखिए, ये गल चुका है। अब आधा किलो मैंने कीमा लिया है और उसके बाद जो इसमें इस्तेमाल होंगी वो नमक, मिर्च, हल्दी और लहसुन। ये देखिए, इसमें अब मैं घी ऐड करूंगी। ये देखिए, ये ज़रा इसको इसकी भुनाई करके तो बाकी मसाले इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं ये लहसुन, अदरक का पेस्ट, मिर्चें और काली मिर्चें, हल्दी और नमक मैंने पहले ही डाल दिया था उबलने के लिए जब रखा था। इसको कम से कम भी हम 10 से 15 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए, तो फिर दम में हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे, इससे इसका जायका बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए, ये हम इस पर अच्छे तरीके से भून रहे हैं। हम इसी स्टेज पे आप डाल देते हैं थोड़े से मटर, मेरे पास आधा कप। ये भी इसके साथ भूनते रहेंगे। ये देखिए, शिमला मिर्च मैंने इसमें डाल दी है। अब इसको ज़रा भून देंगे तो हमारा आलू मटर ना शिमला मिर्च और शिमला मिर्च कीमा और मटर तैयार है। ये देखिए, इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से ये गल भी चुका है। ये देखिए, इस तरह से बन के तैयार हो चुका है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप मेरा चैनल देख रहे हैं क्रिएटिव MM। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।